गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कर्मचारी वेलफेयर के सदस्यों से एक मुलाकात की। इस खास बैठक में चर्चा की गई कि कैसे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगे कर्मचारी और मजदूरों के भले के लिए काम किया जा सकता है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम ने अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों से कुछ बेहतर सुझाव मांगे, जिसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के भी आदेश दिए गए। इस प्रकार से बीओसी बोर्ड चौथी बार गठित हुआ है प्रदेश के लिए, 21वीं बैठक। इस बैठक के अंदर आने वाले समय में कैसे हमारे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको बेनिफिट दिया जाए, उनकी और सुविधाओं को बेहतरीन बनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा है। क्योंकि अधिकतम सदस्य बोर्ड में नए आए हैं, आज तो उनको केवल मात्र बोर्ड का प्रोफाइल दिया गया और बोर्ड कैसे काम करता है उसको बताया गया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में करीब 12,50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सभी को बेहतर सुविधा और स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी बोर्ड की तरफ से काम किया जा रहा है। मगर दो सुझाव बड़े अच्छे आए। एक कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो बिल्डिंग में सड़कों में काम करते हैं, उनकी अगर कोई स्किल इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग और दूसरी लोकेशन पर है तो उसके लाने जलाने का खर्चा भी बोर्ड का ही तो डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर अपनी एक तैयारी करके बताएं। बेसिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सीमित हो चुके हैं, पहले बोर्ड 8,000 रुपया कंस्ट्रक्शन में आने वाले कोई भी इक्विपमेंट की परचेज के लिए बोर्ड के मेंबरों को। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े मजदूर और कर्मचारियों के लिए 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है। वहीं जलभराव की समस्या पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए काम किया जा रहा है।